नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम जनता की आवाज या आम लोगों की जो आवाज है उन विषयों को चुनकर आपके सामने पेश करते हैं। लगातार जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 का जो कहर है वो पूरे देश और दुनिया में चल रहा है और इस महामारी से आप और हम सभी लड़ रहे हैं और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक लड़ते रहेंगे। दोस्तों, इसका क्या इफेक्ट हमारी पूरी जिंदगी में हुआ है, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग क्यों ना हो, अब लगातार हमें एक दूसरी लड़ाई भी लड़नी शुरू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो बताएंगे कि अब क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सभी लोग अपने काम में लग चुके हैं, तो किस तरह आने वाली चुनौतियों को हम पूरा करेंगे और सरकार ने जो बड़े बड़े दावे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए हैं वो क्या वाकई जमीनी हकीकत में सही है या फिर उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें एक है विपिन सिंघल जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कि सारे फाइनेंस की स्थिति को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपर्ट हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। और हमारे साथ है नेहा शर्मा जी, जो कि इवेंट एक्सपर्ट हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हमने सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त स्कीम जो है, योजनाएं जो है वो हम लेकर आ रहे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए कि क्या धरातल पर वाकई इस तरह की स्थिति है? नमस्कार सर, मेरा पहले तो परिचय आप सबको देना चाहूंगा जी। मेरा नाम विपिन सिंघल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जयपुर में मैं मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। ये कोरोना का जो इफेक्ट है ये अभी पिछले 4 महीनों से चल रहा है और जिस तरीके की हमको पता है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है अपने भाषण में कि अब हमें अब इस कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा जी। ठीक, तो इस गवर्नमेंट, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, दोनों ने अपने अपने स्तर पर अच्छे प्रयास किए हैं कि आज जनता है, जनता को जब तक हम बेनिफिट नहीं देंगे या जनता को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस कोरोना के इस महाबीमारी से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर व्यापारियों को कई सुविधाएं देने की कोशिश करी, जैसे मैं बात करूं बिजली के बिल की, बिजली के बिल को उन्होंने पोस्टपोन किया, हालांकि माफ नहीं किया। लेकिन सर, पोस्टपोन करने से जब एक साथ उनके ऊपर बोझ पड़ता है तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। लगातार इसी बात का विरोध चल रहा है कि सरकार ने उन्हें कोई मदद नहीं दी है, पोस्टपोन करना कोई मदद करना नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें हैं ये कोई बिजनेस नहीं करती हैं, अल्टीमेटली जो पैसा है वो पब्लिक को ही देना है, चाहे आप आज दें चाहे हम उसको 6 महीने बाद दें। तो सरकार जो है, यदि हम सरकार को पैसा नहीं देंगे तो सरकार ये जो वेलफेयर के जो हमारे गरीबों को जो राशन पहुंच रहा है, जो हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, ये सब पैसा आएगा तो पब्लिक से ही। यदि पैसा तो सरकार ने जो पोस्टपोन किया है, मैं केंद्र सरकार की भी बात करूं, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ के पैकेज को उन्होंने बाइफरकेट किया कि 3 लाख करोड़ हम एमएसएमई सेक्टर को देंगे, कुछ हम जो एनबीएफसी कंपनीज है उनके थ्रू हम सर्कुलेट करेंगे पैसे। लेकिन सर विपिन जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा बीच में। लगातार हमारी पिछले कुछ दिनों से व्यवसायियों से और नए जो दूसरे जो व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सभी से हमारी चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि नए व्यापारियों को एमएसएमई में किसी तरह का कोई, जो पुराने व्यवसायी उनको कहीं लाभ नहीं है। अब अगर कोई नया व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है तो उसको जरूर लाभ है, तो पुराने जो दुकानदार हैं, पुराने जो व्यवसायी हैं, वो कहाँ जाएंगे? सर, एमएसएमई सेक्टर में पुराने को ही बेनिफिट दिया गया है। वो जो स्कीम आई है जिसमें 3 लाख करोड़ का हमको बेनिफिट देना है जी, वो उन्हीं व्यापारियों को मिलेगा जिन्होंने किसी ना किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से यदि कोई सा भी लोन लिया हुआ है, तो सरकार ने उनको एक फैसिलिटी दी कि हम आपके 29 फरवरी 2020 को जो भी लोन आउटस्टैंडिंग था उसका 20% पार्ट हम आपको एमएसएमई लोन की तरह डिसबर्स कर देंगे। उस जो भी अमाउंट हम आपको डिसबर्स करेंगे उसका टाइम पीरियड 4 साल का रहेगा, 4 इयर्स में आपको उस अमाउंट का फुलफिल पेमेंट करना है। इसके लिए प्री कंडीशन जो गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार ने लगाई,
पहली कंडीशन तो ये लगाई कि 29 फरवरी को आपका लोन आउटस्टैंडिंग रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने चाहिए। एमएसएमई मींस मैक्रो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है व्यापारियों की वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। आज जो हमारा इंडिया का जो मार्केट है वो दो तरीके का है, ऑर्गेनाइज सेक्टर अलग है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मींस जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार राज्य सरकार की विभिन्न विभिन्न स्कीमों में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, जो केवल मात्र 20% है। 80% जो हमारा व्यापार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज जो लोग जीएसटी नंबर नहीं रखते हैं, जो लोग अपनी रिटर्न्स में अपनी सेल या परचेज को नहीं दिखाते हैं, आज जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब अनऑर्गेनाइज की। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो काम कर रहा है तरीके से, उसको केंद्र सरकार की सारी स्कीमों का बेनिफिट दिया जा रहा है। बैंक या सारी जो जो भी बैंकों में अप्रोच कर रहा है कि हमें लोन दिया जाए, बैंक उनको आगे से बढ़ के लोन सेंक्शन कर रहा है। बिल्कुल विपिन जी, इस पर हम लंबी विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले हमारे साथ जो और भी पैनलिस्ट हैं उनसे बात कर लेते हैं। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी विपिन जी ने बताया कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, तो क्या आप व्यवसाय भी देख रहे हैं, आप सारे व्यवसायियों के संपर्क में भी हैं, क्या आपको इसका लाभ मिल पाया है या नहीं मिल पाया? कोरोना के समय जो केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनका आपको लाभ मिला है या नहीं मिला है? सर, मैं जहां तक जानता हूं कि राजस्थान में हमारा जो जगतपुरा एरिया है जयपुर का, लगभग 700 डीलर ऐसे हैं जो मेरे टच में हैं। प्लस उसके बाद अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो मेरे पास इस समय 2200 डीलर इलेक्ट्रॉनिक के जी जो मेरे डेली टच में हैं। किसी भी डीलर को, किसी भी छोटे से छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी को अभी कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है किसी भी तरीके का। एमएसएमई जो भाई साहब बता रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ है, ना कोई बेनिफिट सामने आए हैं। तो विपिन जी, क्या ये कागजों में ही है? क्योंकि देखिए 700 डीलर इनके पास हैं और राजस्थान में जितने भी करीब पूरे देश में 3 करोड़ के आसपास दुकानदार हैं जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन हमारी बहुत से लोगों से बात हुई है, राजस्थान में हुई है, राजस्थान से बाहर भी हुई है, उन तक ये कोई भी लाभ अभी इस वक्त तक नहीं पहुंच पाया है। आप क्या कारण मानते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी ये एक मिसकंसेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए पब्लिक को बांट दिए। सरकार ना तो कभी किसी को पैसा बांटती है ना कभी बांटेगी, ये कोई गरीब योजना नहीं है। सरकार ने फैसिलिटी दी है कि आप अपने बिजनेस को वापस से रिवाइव कर सकें, क्योंकि आज इस कोरोना काल में मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था या मेरा जो व्यापारियों से पैसा मेरा फंस गया, क्योंकि सब व्यापारियों ने लेन देन बंद कर दिए, तो किसी के पास भी वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के थ्रू 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स देने का वादा किया है। आज कोई सी भी बैंक है, यदि सर इसकी प्री कंडीशन है आपके पास 29 फरवरी को लोन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने चाहिए। यदि आपको नहीं देती सर, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर में एक कंप्लेंट सेल भी बनाया हुआ है, आप वहां डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, तो मैं एक व्यापारी भी हूं। आज मैं भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, तो मैं आशीष जी बताना चाहूंगा कि मैंने भी खुद ने एक लोन लिया है, क्योंकि आज हम लोग भी एक व्यापारी की तरह है, तो हमें बैंक ने मना नहीं किया। यदि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उन्होंने मुझे तुरंत मेरे आउटस्टैंडिंग लोन का 20% मुझे ना बिना बोले डिसबर्स कर दिया, जिसके ऊपर ना तो प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज की जाएगी ना ही कोई खर्चा चार्ज किया जाएगा जी। ये एक नया लोन जरूर होगा आपके लिए। चलिए, हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो व्यवसायी या जो दुकानदार देख रहे हैं, उनको निश्चित रूप से विपिन जी की बात का फायदा मिलेगा और वो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के बाद देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी घोषणा की थी कि कोई भी बड़ी कंपनी है या कोई भी संस्था है वो अपने एम्प्लॉयज को बेरोजगार नहीं करेगी, यानी कि वो उस संस्था से नहीं निकालेगी। उसके बावजूद पूरे देश में चाहे वो किसी भी फील्ड की बात करें, बेरोजगारी का आलम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग मजबूर हैं कि वो क्या करें क्या न करें। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में परेशानियां दिक्कतें जो है लगातार आ रही हैं। नेहा जी हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, आप क्योंकि लगातार इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं उनके प्रोग्राम्स आप करवाती रहती हैं, आप कोविड-19 के बाद की जो पिछले 4-5 महीनों की स्थिति है उसको किस नजरिए से देखती हैं? नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं बेसिकली वेडिंग प्लानर हूँ, इवेंट्स हम लोग करते हैं,
देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने बहुत सिक्योरिटी रखी है, आगे पहले नहीं कोरोना, उसके लिए उन्होंने बहुत उचित कदम उठाए हैं। पर हमारी रिक्वेस्ट ये है उनसे कि उन्होंने जो 50 लोगों का एक फिक्स कर दिया है कि 50 लोगों से ज्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। वो उसका रीजन मैं आपको ये बताती हूँ कि गलत इसलिए है कि आज अगर मान लीजिए आपके घर में वेडिंग है, तो वेडिंग्स कॉर्पोरेट फंक्शन 50 लोगों के हो सकते हैं, आप कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस ब्लॉक कर सकते हैं, बर्थडेज कर सकते हैं, एनिवर्सरीज कर सकते हैं, बट वेडिंग को एटलीस्ट इस पोर्शन से अलग रख के विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे आज भी हम कलेक्ट्रेट से जाकर परमिशन लेते हैं 50 आदमियों के लिए भी, जबकि कहा यह गया था कि पूर्व सूचना देनी होगी, पर हम परमिशन ले रहे हैं। परमिशन लेने के बाद भी अगर हमें ये है कि सिर्फ 50 ही जनों को करना है, तो सर प्रैक्टिकली आप देखिए कि एक आदमी अपनी शादी में आज की डेट में बैंड भी नहीं बुक करा पा रहा, तो वो शादी नहीं है एक्चुअली देखा जाए, और ये हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत इमोशनल चीज है। तो हम ये कर सकते हैं कि आप उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, छोटी जगह पे नहीं होनी चाहिए, कोई रिजॉर्ट हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कोई बड़ी जगह हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इसको 50 से बढ़ाकर इन्हें थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद के भी पर्सनल फंक्शंस कर रही है जिसमें 150 से 180 लोग हैं। ज्यादा ही आ रहे हैं सरकारी कार्यक्रम में, तो ज्यादा ही आ रहे हैं लगातार। देखिए ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए सरकार नियम बनाती है, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अगर शादी करनी है तो 50 लोगों की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर कोई सरकार अपनी ही रैली निकालती है या दूसरी सरकार के खिलाफ अगर कोई रैली निकालती है, तो उसमें चाहे 1000 लोग हों चाहे 500 लोग हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि शादी में अगर 50 से 58 लोग हो जाते हैं, तो भीलोड़ा में जैसा कि एक शादी समारोह में 6,26,000 रुपए के करीब का की पेनल्टी लगा दी थी, लेकिन सरकार खुद अगर हजारों लोगों को इकट्ठा करती है तो उसके ऊपर कौन लगाम लगाएगा? जी नेहा जी, बिल्कुल यही सवाल है, यही सवाल है कि जब सरकार खुद बिना प्रिकॉशंस के, मतलब आपने देखा है न्यूज़पेपर्स में फोटोग्राफ्स आई हैं, आपके टीवी चैनल्स ने जो है वो वीडियोस रिलीज करे हैं जिसमें सरकार एक ही टेबल पे 8-8, 9-9 जने बैठे हैं, विदाउट मास्क है, विदाउट सैनिटाइजेशन है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप टर्म्स कंडीशन लगाइए, आप 6 लाख नहीं, आप 60 लाख का भी जुर्माना करिए, पर तब करिए जब ये टर्म्स कंडीशन नहीं मान रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो वेडिंग प्लानर्स पे ये चीज कर दीजिए, उनसे एनओसी लीजिए, क्लाइंट से एनओसी लीजिए, हम लोग हर चीज का वर्कआउट करते हैं, हमारी ऑडिट भी तो करती है गवर्नमेंट, तो इसी तरह की एक ऑडिटिंग वर्कआउट हो जाएगा कि आप इस तरह के नियम बना दीजिए। आज भी हम लोग फॉर्म्स भरते हैं, अपनी एनओसीज देते हैं, तो वही एनओसीज हम बाद में दे देंगे, तो आप एनओसी पहले ले लीजिए हमसे कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जो सरकार की नीतियां हैं क्या वो आम जनता के लिए हैं या सरकार खुद भी इसे अपने ऊपर भी लागू करती है? सर ये एक मुद्दा एक बहस का है, क्योंकि देखो सरकार में भी जो पर्सन, इसलिए हम बहस कर रहे हैं ये डिबेट ही है सर, और ये एक एंडलेस डिस्कशन है, क्योंकि सरकार में जो आदमी है वो भी स्वयं एक पर्सन है ना। ये एक सेल्फ अवेयरनेस है कि यदि आज हम दूसरों को जो शिक्षा देना चाहते हैं वो खुद के ऊपर भी अप्लाई करें। हालांकि गवर्नमेंट इस बात का खंडन भी समय समय पर करती रहती है, ठीक है पब्लिक है, हमने कोई भी हमने रैली करी या कोई भी हमने किसी को संबोधन किया तो पर्सन गलती से आ गए। अब मीडिया में तो क्या होता है कि उसी का क्रिटिसाइज और पब्लिसाइज हो सकता है, तो इसीलिए इसके ऊपर तो यदि जिसको भी इस कोरोना से बचना है उसको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आज मैडम ने भी अच्छी बात कही कि हम इसमें कुछ पर्सन को इंक्रीज करें, लेकिन मैं एक थोड़ी सी बात और रखना चाहूंगा जी। इस बार रतन टाटा जो है अपने बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून से, उनका एक सबमिशन है कि उन्होंने ये कहा है कि इस कोरोना काल में आप प्रॉफिट को भूल जाएं, यदि आप बच जाएं परिवार को 2021 तक ले जाएं तो ये सबसे बड़ा आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस तो हमें करना ही है, बिजनेस की कोई मना नहीं है, बिजनेस करना भी चाहिए, लेकिन आज हमारे लिए सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ। क्योंकि आज आप देखें कि जो कोरोना, हम जयपुर की बात करें, जयपुर में जो कोरोना रामगंज शास्त्री नगर जो यहाँ तक सीमित था वो आज पूरा बढ़ के पूरे जयपुर तक फैल चुका है। बिल्कुल मेरा ऑफिस मानसरोवर में, मतलब अब मैं ये महसूस करता हूँ कि जगह जगह पुलिस बैठी हुई है, कभी कहाँ कर्फ्यू लग रहा है, कभी कहाँ कर्फ्यू लग जाएगा, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अब कर्फ्यू का भी कोई महत्व नहीं रहा, मेरी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कल कोरोना संक्रमित है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, आज भी सब खुले हम घूम रहे हैं। सर जब ये देखो हमें स्वयं को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का जो इफेक्ट है वो स्वयं के ऊपर आएगा।
आज मैं भी सैनिटाइज करता हूँ, मैं भी मास्क पहनता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 24 घंटे हम यदि ये न्यूज देखेंगे हम फेडअप हो जाएंगे। आप खुद ही देखें, कल एक जयपुर की न्यूज है, RUHS में एक 73 ईयर ओल्ड के पर्सन जिनको एडमिट किया था उन्होंने छत से कूद के और सुसाइड कर लिया, क्योंकि कोरोना में आज हमको पॉजिटिवनेस भी रखनी पड़ेगी यदि हमको कोरोना के काल से निकलना है। निश्चित तौर पर हमसे हमको पॉजिटिविटी रखते हुए कोरोना से युद्ध करना है और अपने आप को बूस्टअप करना है और अपने परिवार अपने दोस्तों को भी बूस्टअप करना है। मैं आशीष जी यहाँ पर आपके पास, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से जुड़े हुए हैं, तो लगातार जिस तरह देश में आप और हम सभी लोग मिलकर चाइना के प्रोडक्ट्स का विरोध कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हम टीवी चैनल्स की बात कर लें, चाहे सरकारी कार्यालयों की बात कर लें, चाहे हम कितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की गुड्स की बात कर लें, वहां पर अधिकतर चाइनीज आइटम जो हैं आज भी चल रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा, देश के जो छोटे व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके ऊपर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? सर देखिए, ऐसा चाइना के प्रोडक्ट जो अभी फिलहाल जो सुनने में आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो सुनने में आ रहा है, चाइना का प्रोडक्ट इस समय मार्केट में नहीं आ रहा है। जहां हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी हमारे डीलर्स या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार जो भी हैं, उन्होंने चाइना का प्रोडक्ट 99% बेचना बंद कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि देश हमारा सर्वोपरि, देश हमारा पहले है। सेकंड, जो डीलर्स, कुछ ऐसे डीलर हैं जो मैं खुद जाके उनसे बात हुई है कि चाइना के प्रोडक्ट दुकान पे था, स्टॉक था, उन्होंने स्टॉक हटा दिया है, डिस्प्ले से डिस्प्ले पे नहीं है आज की डेट में। लेकिन ये गवर्नमेंट को कुछ इसकी एक नीति बनानी पड़ेगी कि चाइना का प्रोडक्ट आगे से ना आए। भाई चाइना का प्रोडक्ट, अभी जो स्टॉक इतना सारा रखा हुआ होगा लोगों के पास, क्योंकि अचानक युद्ध की स्थिति बन गई, अचानक सरकार ने रोक लगा दी, तो जो प्रोडक्ट माल जो है ऑलरेडी अगर व्यवसायियों के पास पड़ा है तो उसका क्या होगा? सर वो व्यवसायी को बेचना पड़ेगा क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है। जी, क्योंकि सरकार को इसमें, आप नहीं सोचते कि कोई मदद करनी चाहिए? सरकार को मदद करनी चाहिए, छोटे डीलरों की खासकर मदद करना चाहिए। जी, लेकिन सरकार की तरफ से मदद अभी नहीं हुई है। डीलर्स डिस्प्ले पे जो मेटेरियल था उठा के गोडाउनों में कर दिया है। जी, चोरी छुपे बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बेच रहे, क्योंकि उनका पैसा लाखों रुपया लगा हुआ है। बिल्कुल, अगर वो अपना पैसा रिकवर नहीं करेंगे तो उनके बिजनेस ठप हो जाएंगे, छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे। नेहा जी, मैं बिल्कुल मैं नेहा जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जाना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार इवेंट्स वगैरह जो है वो करती रहती हैं, और सरकार की तरफ से इवेंट्स में हजारों लोग, पूरे देश में हजारों लोग जो है इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो उनके जीवन पर क्या इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि अब आप भीड़ कर नहीं सकते, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ऑनलाइन आप सारा कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार को आप जैसे लोगों को भी मदद करनी चाहिए? किस तरह सरकार आपकी मदद कर सकती है? हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है दीपक जी, कि जैसे विपिन जी ने कहा कि ये सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हम बात करें तो हमारी लाइन है, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, और एक तरह से वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ताउम्र वही काम किया। ये आज एक ढोल बजाने से लेकर एक वेडिंग प्लानर तक जो यही वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने सिर्फ एक यही सेक्टर है जिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन ये एक तरह की बैकबोन है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, चाहे हम लेबर की बात करें, चाहे हम ढोल वाले की बात करें, चाहे टेंट वाले की करें, फ्लावर वाले की करें, बहुत सारी चीजें जो इस उससे जुड़ी हुई हैं। तो एटलीस्ट उनको ये सोचना चाहिए कि या तो कुछ गैदरिंग्स बढ़ा दी जाएं, या कुछ टर्म्स कंडीशन लगा दी जाएं कि आप ऐसा करेंगे तभी हो पाएगा, या हम जैसे स्क्वायर फिट एरियाज में वर्क करते थे, एक टेबल पे हम 8 जनों की सिटिंग देते थे राउंड टेबल पे किसी भी 5-स्टार होटल में, तो उसमें ये कर दिया जाए कि एक टेबल पे आप 4 जनों से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर किसी की कैपेसिटी 500 लोगों की है बैंक्वेट की, तो 200 से ज्यादा नहीं दे सकता इनके, बल्कि ये 50 लोगों का करने के कारण मुझे लगता है कोरोना ज्यादा फैलेगा। उसका रीजन क्या है कि बहुत छोटे छोटे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छी जगह पे बैंक्वेट्स हैं जिनके, लेकिन वो इतने छोटे बैंक्वेट्स थे तो 50 जनों के कारण उन्होंने जिसे कहते हैं बहुत अजीब से पैकेजेस निकाल दिए। जी, लोगों ने एक छोटा छोटा हॉल जो है जिनके पास,
जिनके पास बहुत कम जगह, वहां पे भी उनको ये है कि 50 जनों का फंक्शन हम करा सकते हैं, तो 50 जने तो छोटी सी जगह में भी आ सकते हैं, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रही सर? इससे बढ़िया तो ये है कि कैपेसिटी आपके लॉन की, आपके गार्डन की, आपके बैंक्वेट की जितनी है उसका 50% ही आप कर सकते हैं। आप 3 स्लैब बना सकते हैं कि 50 जने कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए, 150 जने किसी भी शादी के छोटे समारोह के लिए, और 250 लोग जो है शादी के लिए होंगे। बट उसमें कंडीशन ये होगी कि जिस तरह हम लोग परफ्यूमिंग करवाते हैं वैसे आपको हर 45 मिनट्स बाद सैनिटाइजेशन कराना पड़ेगा, आपको वहां वॉश बेसिन रखना कंपलसरी है, मास्क लगाना कंपलसरी है। इस तरह के कुछ नियम लागू करने चाहिए सरकार को, हम जैसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या जिनको नॉलेज है उन्हें साथ में बिठाकर एटलीस्ट ये पूछना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें डेवलप हो सकती हैं। उन्होंने सारे सेक्टर्स को टच किया है, हर बिजनेस को टच किया है, सिर्फ एक ये बिजनेस है जिसे छोड़ दिया गया है। जी विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने खुद ने कहा कि जो 80% जो 80% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट किस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, या अभी तक लेकर आई है या नहीं आई है? क्योंकि सिर्फ 20% लोगों के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप मदद करते हैं और 80% लोग बेरोजगार हो जाते हैं या परेशान होते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि टैक्स तो सरकार किसी न किसी रूप में सभी लोगों से ले रही है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं मेरे बात पे अभी भी हूँ कि 80% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से, लेकिन वो भी बेचारे कहाँ जाएंगे? केंद्र सरकार ने सर खाद्यान्न का एक जो उनका प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये डिसाइड किया है कि कम मतलब किसी भी आदमी को हम भूखा नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए उन्होंने वो नीति बनाई है कि सबको राशन टाइम टू टाइम पहुंचे। इसके साथ साथ राज्य सरकारों ने भी समय समय पर राशन, क्योंकि इस समय कोरोना काल में जो बेसिक नीड है वो है भोजन। खाना नहीं मिलेगा तो हम खाने के अलावा यदि बात करें कि हमें रहने की या हमारी किस्त चुकाने की फैसिलिटी, यदि आप रिलीफ की बात करें तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने आज हमारे बेसिक खर्चे क्या थे, हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसको पोस्टपोन कर दिया, आज हमें स्कूल फीस पे करनी है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, आज हमें बिजली का बिल पानी का बिल पेमेंट करना है उसको पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा फिर हमारी बेसिक नीड बची हुई है भोजन। भोजन के लिए गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है कि हर आदमी को, जितने भी गरीब परिवार हैं, है ना, कई बीएलओज को उन्होंने अपॉइंट किया है जगह जगह क्षेत्र में कि आप लिस्टें बनाए। सर मैं बिल्कुल आपकी विपिन जी बात से सहमत हूँ कि गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करवा दी है, और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए कई तरह के टैक्सेस जो है वो भी माफ कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएगा? क्योंकि उनके पास अब नौकरी नहीं है, उनके पास एक साथ 6 महीने का या 4 महीने का बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है, उनके पास अब किसी तरह की कोई नौकरी नहीं बची है, तो वो आखिर कहां जाएंगे? क्या सरकार मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं सोच रही है? सर सरकार का दायित्व है, सरकार के लिए चाहे मिडिल क्लास है, चाहे गरीब क्लास है, चाहे हायर क्लास है, वो उसका एक टैक्स पेयर भी है और उसके लिए पब्लिक भी है। सरकार सबके लिए सोच रही है, सरकार की नीतियां जो बन रही है वो ऐसा नहीं है कोई गरीबों के लिए बन रही है या हायर क्लास के लिए बन रही है, मध्यम वर्गीय को भी बहुत सारे जो चाहे भामाशाहों ने अपने स्तर पर उनको बेनिफिट दिया, ठीक है, सरकारों ने खाद्यान्न, मैंने जैसे आपको बताया बिजली पानी है, फीस है, तो इसी तरीके से सरकार की प्रयास है। बाकी पैसा सरकार के पास भी नहीं है, आज आप देख सकते हैं राज्य सरकारों ने भी क्या किया, मार्च की जो तनख्वाहें थी वो सबकी आधी कर दी। लेकिन सर राज्य सरकारों के पास विधायकों को 5-स्टार होटल में ले जाके 15-15 दिन 10-10 दिन ठहराने का तो पैसा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है उनको? सर देखो वो एक राजनीतिक स्तर की बात है, हालांकि उसमें ये जरूर सबमिशन है कि वो जो पैसा खर्च, क्योंकि जब कोरोना काल में उनकी आम जनता को जरूरत थी तब वो अंदर जाके बैठ गए 5-स्टार होटलों में जाके बैठ गए। वो पैसा सरकार अपने खर्चों में नहीं दिखाती है, वो पार्टी अपने खर्चों पे दिखाती है। तो ये अपन क्वेश्चन पार्टियों से जरूर रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी खर्चे हैं मंत्रियों को यदि सुविधाएं दी जा रही हैं, 5-स्टार होटल में खिलाया जा रहा है, तो ये कभी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने खर्चों में डेबिट नहीं करती है, ये सारे खर्चे पार्टियां अपने पर्सनल स्तर पर करती हैं। तो ये तो हम पार्टियों से ही पूछें, यदि आज राज्य सरकार हमारी कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार बताए कि भाई पार्टी का जो फंड है वो आप क्यों पब्लिक के ऊपर यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अपन उचित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप भी एक मिडिल क्लास से हैं और आपको बच्चों की फीस भी देनी होती है, बिजली का बिल भी भरना पड़ता है, तो क्या आप सरकार की ने जो बिजली के बिल पोस्टपोन किए हैं या स्कूल की फीस जो है वो पोस्टपोन कर दी, क्या आप सरकार के इस निर्णय से खुश हैं? नहीं। आपको लगता है कि सही निर्णय है ये सरकार? बेसिकली जो रही बिजली के बिल की बात,
ये जो कहा है ना सरकार ने पोस्टपोन कर दिए हैं, वही कोई भी बिल अगर मैं धरातल पे बैठ के देखता हूँ कोई भी बिल पोस्टपोन नहीं हुआ है जी। अगर आज मेरा बिल 7,000 का आया है तो मुझे 20 तारीख लास्ट है तो उसमें जमा कराना है। आम पब्लिक का भी यही हाल है जी, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और जी। नेहा जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार क्योंकि इस तरह की जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है और सरकार अपनी ही पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, आप एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर क्या सोचती हैं कि क्या ये निर्णय सरकार के सही हैं या इसमें किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं एज ए रॉ पर्सन बात करूं, एज ए मिडिल क्लास बात करूं, तो ये मुझे कहीं से भी फैसले जो है वो प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं। किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना उसका इलाज नहीं होता है। और रही बात कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो विपिन साहब, थोड़ा सा अकाउंट्स की नॉलेज मैं भी रखती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, उनको ये करना चाहिए था एज ए अकाउंट्स पर्सन अगर मैं बात करूं, कि जितना हम जीएसटी पे करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से मिडिल क्लास को वो बेनिफिट देना चाहते थे, मिडिल क्लास व्यापारियों को देना चाहते थे, तो उनकी जीएसटी की एक, इनके पास सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वो एक आंकड़ा निकाल सकते थे कि आज तक इस व्यापारी ने पिछले 50 सालों में 25 सालों में इतना हमें जीएसटी दिया है। तो एक परसेंटेज फिक्स कर दी जाती कि ये स्लैब है, ये आदमी साल भर में इतना जीएसटी देता है तो इसको हम इतना रिलीफ दे दें। पर उन्होंने जो भी किया है वो मुझे जहां तक लगता है वो कहीं से प्रैक्टिकल नहीं है और ऑर्गेनाइज तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विपिन साहब, वैसे भी हमेशा सीएस की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन गवर्नमेंट को अच्छे नहीं प्रैक्टिकल सीएस की बहुत ज्यादा जरूरत है जो शायद उनके पास नहीं है। अगर होते तो इस तरह के डिसीजन एटलीस्ट नहीं लेते। पोस्टपोन करने से बॉस क्या, आज एक आपके भी बच्चे होंगे, अगर आज आपके बच्चों की 3 महीने की फीस जो है पोस्टपोन कर दी गई है, तो 4th महीने तो बल्कि ज्यादा ओवरलोडेड है, क्योंकि वो निकालना तो हमें हमारी सेविंग्स में से ही है। तो क्या सेविंग मतलब वो बैंक जाने का वेट कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं? मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें उस अध्यापक से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज बच्चे उसके भी हैं। आज हमें जो प्रिंसिपल है उससे भी पूछना पड़ेगा, आज बच्चे उसके भी हैं। यदि आज छुट्टी नहीं देंगे, ये बिपिन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा जवाब दिया है, तो वो भी ये कहेंगे पूछना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल से भी पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है, लेकिन जब आपकी स्कूल बंद है उसके बाद आप लाइब्रेरी की फीस ले रहे हैं, जब आपकी स्कूल बंद है उसके बाद आप स्कूल के कंप्यूटर्स की फीस ले रहे हैं, तो कम से कम इन फीसों में तो स्कूलों को रिलीफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आज एजुकेशन मिनिस्टर उन अच्छे स्कूल्स के साथ बैठते, यही मैं आपको कह रही हूँ कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है गवर्नमेंट की। अगर यही गवर्नमेंट ये करती कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन मिनिस्टर को जो स्टेट के अच्छे स्कूल्स हैं, एटलीस्ट 100 स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बैठते, उनकी कितनी फीस है उसमें से प्रैक्टिकली कन्वेंस फीस हटा दी जाती, उनमें से जो आपकी लाइब्रेरी की फीस है वो हटा दी जाती, उनमें से काफी चीजें हटा दी जाती, तो फिर ना तो लोड पड़ता प्रिंसिपल्स पे ना लोड पड़ता पेरेंट्स पे, दोनों जने खुश रहते प्लस गवर्नमेंट भी खुश। दूसरा, जब आप सरकार से स्कूल के नाम पर लाखों रुपए की जो जमीनें हैं वो कौड़ियों के भाव में लेते हैं, लाखों रुपए आप डोनेशन के रूप में भी स्कूलों में लेते हैं, वो सारी जो कमाई है, कम से कम आप इस महामारी के समय में अभिभावकों को 3 महीने या 2 महीने कम से कम 50% की तो छूट दे ही सकते हैं। ये बात बिल्कुल, एक्चुअली ये अकेडमिक्स के नाम पर ले सकते हैं सर, ठीक है। टीचर्स को भी अगर आज मैं बात करूं कि मैं लेट्स से अगर मैं कोई एजुकेशनिस्ट होती तो मैं ये कहती कि साहब हम लोग 11 घंटे घर में काम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी सैलरी चाहिए, तो वो चीज लागू हो जाती। लेकिन वो लागू कैसे होती कि हम अकेडमिक्स पे दे देते, हम लोगों को वो जो इनका अलग अलग बाइफरकेशन होता है स्कूल का, कि ये कन्वेंस फीस है, ये ट्यूशन फीस है, ये तो ट्यूशन फीस पे की जाती, उसमें मेरे हिसाब से कोई भी मना नहीं करता पेरेंट, पर इन्होंने तो सारी चीजें ली हैं सर, वो गलत है। स्कूल के जो ऑनर्स हैं वो लगातार लाखों करोड़ों का फायदा सरकार से ले रहे हैं, अभिभावकों से ले रहे हैं, तो कम से कम उनको इस तरह का जो एक पूरी तरह से यूं कहें कि माफिया की तरह जो कुछ स्कूलों ने अपनी गुंडागर्दी को चला रखा है उसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। और कल की ही बात देखिए, लगातार हम देख रहे थे कि स्कूल ऑनर्स जो है सड़कों पर उतरे, जबकि स्कूल ऑनर्स सड़कों पर नहीं थे, स्कूल की टीचर सड़कों पे थी, वो ये लगातार डिमांड कर रही थी कि फीस जमा कराइए, फीस जमा दे, क्योंकि वो टीचर्स के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे। हम मानते हैं कि उनको फीस देनी चाहिए, लेकिन जो जरूरत है
उनकी ही फीस उनसे ली जाए, यानी कि कुछ उनको इस महामारी के समय जो है रिलीफ देना जरूरी है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो स्कूल में बच्चों की फीस हो या किसी तरह की कोई चीज हो, तो कम से कम एक दूसरे का सहयोग करके हम इस महामारी से अच्छे से लड़ सकते हैं। देखिए समय की भी पाबंदी, जी जी बिजनेस, पूरे बिजनेस में हमें सिर्फ ये करना है सर कि हमारी जो ब्रेक इवन है ना उससे हम लोग मीट आउट कर लें और अपने प्रॉफिट्स खत्म कर दें, उससे आपका एक रोटेशन इतना बढ़िया चल जाएगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इसलिए मैं मानती हूँ कि उत्तरदायित्व रखना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें हर मिनिस्टर को अपने फील्ड में वर्क करना चाहिए, ना कि 5-star होटल्स में बैठकर बड़े बंदी करनी चाहिए सर। इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के साथ हो, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर के साथ हो, तभी आप एक्सपर्ट कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर फील्ड के आदमी को उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जितने भी जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनको जनता के साथ खड़े होके उनका दर्द बांटना चाहिए, उनको रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि होटलों में बैठकर एसी में खाने के मजे लेने चाहिए। और दूसरा, क्योंकि लगातार जब सरकार जाती है तो सरकार के साथ में पूरा सरकारी जो लवाजमा है वो भी जाता है, चाहे गाड़ियां हो चाहे सुविधाएं हो सब वहां पर उपलब्ध होती है। विपिन जी आपके लिए मेरे पास कुछ हमारे दर्शक जो है और कुछ दुकानदार है वो सवाल जानना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि विपिन जी से मैं एक सवाल करूं कि एक व्यवसायी जो है वो लोन लेना चाहते हैं लेकिन उनका ऑर्गेनाइज तरीके से अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, तो क्या वो सरकार की मदद से या आपकी मदद से किसी तरह का लोन लेकर अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो किस तरह का लोन हो सकता है? सर यदि आज कोई भी बिजनेस अनऑर्गेनाइज है तो मेरी तो उसको सबसे पहले सलाह होगी कि आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास हो। यदि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आप अपने सीए से या कंसल्टेंट से मिलके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। प्रोजेक्ट में आप ये बताएं कि आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आप कितनी सेल कर पाएंगे, आपका एक्सपेंस कितना रहेगा और आप कितना प्रॉफिट बचा पाएंगे। उसके बेस पे आपका जो बैंक है, जहाँ भी कंसर्न बैंक है, वो आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा, वो आपके यहाँ विजिट करेगा कि क्या आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक्चुअलिटी से मैच करता है कि नहीं करता। उसके बाद बैंक उसको डिसाइड करेगी। यदि हम बैंकों से 10 लाख मांगेंगे तो बैंक 5 लाख रुपए जरूर देगी, लेकिन हमें उसके लिए खुद को सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे पास ITR की कॉपियां, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, करंट अकाउंट, MSME सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, एटलीस्ट जो जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो यदि हम फुलफिल करके और बैंक को अप्रोच करते हैं, बैंक हमको जरूर लोन देगा। इस समय कई बैंकें दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बैंकों में आप ये देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट तो अभी कोई भी पे नहीं कर रहा, लेकिन बैंक फिर भी सर्वाइव कर रही है। पिछले गवर्नमेंट ने पहले 3 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड दिया, अब ये मॉनिटोरियम पीरियड 3 महीने और बढ़ा के 31 अगस्त तक कोई भी व्यापारी को लोन का 1 रुपया नहीं चुकाना है, और इस समय कोई भी आदमी लोन का 1 रुपया नहीं पे कर रहा। फिर भी बैंकें कोई करप्ट नहीं हुई, बैंकों ने कभी हाथ खड़े नहीं करे कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा पैसा बांटेंगे कैसे? लेकिन ऐसा नहीं है, बैंकों के पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है, वो लोन देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन वो बीइंग ए एंटरप्रेन्योर ये एक अश्योर होना चाहते हैं कि हम जिस भी व्यापारी को पैसा दे रहे हैं वो हमारा पैसा क्या रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है कि अगर पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और चलते चलते मैं आप सभी से एक फाइनल व्यू लेना चाहूंगा। आशीष जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों से और जो सरकार है उनसे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग जो व्यवसायी हैं या जो दूसरे लोग हैं वो अपने आप को सर्वे कर पाए, और क्या सरकार की नीतियां या क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार की नीतियां देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन में है थोड़ा सा इनको फाइनेंस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा जी, क्योंकि तो फाइनेंस कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियों के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं है, डीलर परेशान हो रहा है। जब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा दुकानदारों की सेल नहीं होगी, क्योंकि 3-4 महीने जो हमारे लॉकडाउन के गए हैं उसमें सारा कस्टमर पैसा बैठ के खा गए हैं। तो मतलब छोटे भी दुकानदार हैं उनके पास रोटेशन नहीं है। बिल्कुल, रोटेशन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जी। नेहा जी आप क्या कहना चाहेंगी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आप किस तरह आत्मनिर्भर बने? देखिए आत्मनिर्भर बनने के लिए आप जो जिसका व्यवसाय है उसके अकॉर्डिंग होता है। हमारा बिजनेस नो डाउट लग्जरी बिजनेस है, प्लस हमारा बिजनेस लोगों को खुशियां बांटने का, और खुशियां जब लोग साथ होते हैं तभी बढ़ती हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन्हें प्रॉपर कंडीशन से अगर वो हम लोगों को थोड़ी सी गैदरिंग बढ़ाने की सुविधा देगी तो शायद हमारी लाइन में एक रोटेशन घूमेगा,
जिससे जैसे जब बारिश होती है या बर्फ पिघलती है तो पहाड़ों से पानी नीचे आता है और वो सब जगह जाता है, वैसी सेम सिचुएशन हमारे साथ होगी कि मार्केट में अगर आपको पैसे का रोटेशन वापस घुमाना है तो आप थोड़ी सी गैदरिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंडीशंस हम लोग मांगना चाहेंगे, क्योंकि हम अकेला ऐसा सेक्टर है जिन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी उनसे निवेदन है कि प्लीज हम लोग भी कुछ हैं। बिल्कुल, आप लोग काफी कुछ हैं, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को की आंखें और खुलेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनके लिए भी सरकार को आगे आकर काम करने चाहिए। चलते चलते विपिन जी, क्योंकि सर हम लोगों को कोई उनसे लोन नहीं चाहिए, हमें उनसे कोई पैसे की वो फैसिलिटीज नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारी लाइन का कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि वो भूखा मर रहा है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के बाद भी आज भी एक टेंट वाले के पास अगर 10 लेबर थी उसने 5 रखी है, लेकिन जो 5 नहीं रखी है उसके खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारी एसोसिएशंस ने, गवर्नमेंट ने किया हो नहीं किया हो, लेकिन आज भी हम लोगों ने इतना सुविधा बना रखी है। जैसे अगर मैं जयपुर की बात करूं तो हमारी लाइन का कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा, ये हम सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही आशा हम लोग आप सभी बने हुए हैं। विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप छोटे व्यवसायी या जिस तरह नेहा जी इवेंट्स का काम करती हैं, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इनको किस तरह से फाइनेंस मैनेजमेंट करना चाहिए और किस तरह से इनको सपोर्ट जो है सरकार की ओर से होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप अपनी बैलेंस शीट में चेक करें कि आपको अपना जो अमाउंट है वो किससे तो लेना है और किसको देना है। यदि हम देंगे तभी हम ले पाएंगे, ये एक रोटेशन है। आज बिजनेसमैन जो पैसा लेता है वो दूसरे को उसको देना भी पड़ता है। यदि आज वो माल को खरीद रहा है तो खरीदेगा तो उसको बेचेगा भी। तो मेरा तो यही एक सजेशन है कि गवर्नमेंट की जितनी भी रिटर्न है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स में बहुत रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, आज चाहे आरओसी हो चाहे इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स की डेटें भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की हुई है। जीएसटी की डेटों में बहुत सारी जो पेनल्टियां लग रही थी रिटर्न्स में वो सारी माफ कर दी है, बहुत एक नॉमिनल अमाउंट रखा है 500 पर मंथ का। तो यदि ये रिटर्न हम टाइम पे भर दें, प्लस व्यापार का जो लेन देन है उसको कैरी ऑन करें। ऐसा नहीं हो कि हम व्यापारी के रूप में केवल सेल का तो पैसा कलेक्ट करें लेकिन जो परचेज का पैसा देना है वो बंद कर देंगे, तो व्यापारियों को ही तकलीफ होगी, क्योंकि सब लोगों को एक दूसरे के सहयोग से ही इस व्यापार को खड़ा करना है और इस कोरोना से निकलना। बिल्कुल, क्योंकि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, इसलिए हमको सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। हम हमारे दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई ऐसा विषय है जो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना जो विषय है वो हमें बता सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी सेक्टर्स के लोगों के, चाहे सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो किसी न किसी तरह से आगे आकर मदद करें और हम भी खुद आत्मनिर्भर बने, क्योंकि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, हमको भी सरकार के लिए कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी और सरकार को हमारे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आप नेहा जी हमारे साथ शामिल हुई, आशीष जी आप और विपिन जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर हम एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, एक नए विषय के साथ मिलेंगे जो कि आपका अपना विषय होगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।